एसीबी का बड़ा एक्शन, रिटायर्ड अफसर भूतपूर्व सैनिकों से जमीन आवंटन के लिए मांग रहा था रिश्वत, दलाल से 5 लाख लेते पकड़ा। बीकानेर में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन के पद से रिटायर आरएएस अधिकारी प्रोमाराम परमार को देर रात एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बाड़मेर में पकड़ा है। इसके बाद टीम ने इस अधिकारी के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर समेत कई ठिकानों पर रात भर छापे मारे और नकदी गहने और अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए हैं। जयपुर स्थित आवास पर छापे के दौरान इस अधिकारी के घर से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये अधिकारी 31 अक्टूबर को कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुआ था। जमीन आवंटन के मामलों में चल रही पुरानी फाइलों को बैकडेट में क्लियर करने के मामले में ये अधिकारी एक दलाल नजीर खान के जरिए 5 लाख लेते हुए पकड़ा है। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारी प्रोमाराम को पकड़ने के बाद उसके जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर आवास पर भी छापे मारे गए हैं। जयपुर स्थित आवास में लगभग 8 लाख रुपए की नकदी बरामद होने की सूचना है। इसी तरह जोधपुर आवास से 7.72 लाख की नकदी, 15 लाख रुपए के गहने, जालौर में पत्नी के नाम से एग्रीकल्चर लैंड के कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा एलएनडीटी कंपनी के शेयर, साले के नाम से 65 लाख रुपए का फ्लैट और 30 लाख रुपए से अधिक के कीमती आइटम बरामद भी हुए हैं। अधिकारी के जोधपुर आवास में सर्च के दौरान बड़ी तादाद में मिली विदेशी और महंगी शराब की बोतलें मिली है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक्साइज एक्ट के तहत प्रोमाराम के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।